आप देख रहे हैं अमिनो गिरफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। बाबू वीर कुंवर सिंह मूर्ति निर्माण समिति के द्वारा बाबू वीर कुंवर सिंह चौक 0 माइल पर मनाया गया विजयोत्सव उत्सव। आजादी की लड़ाई में बाबू वीर कुंवर सिंह का योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। 1857 की आजादी की लड़ाई के नायकों में बाबू वीर कुंवर सिंह का महत्वपूर्ण स्थान था। आजादी की पहली लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। आज बिहार के गौरव को बनाए रखना बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी बाबत आज बाबू वीर कुंवर सिंह मूर्ति निर्माण समिति के सदस्यों के द्वारा भागलपुर 0 माइल में बाबू वीर कुंवर सिंह प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उनकी वीरता को याद किया गया। साथ ही बाबू वीर कुंवर सिंह के नारों से बाबू वीर कुंवर सिंह चौक घंटों भर गुंजमान रहा। वही मौके पर वक्ताओं ने बाबू वीर कुंवर सिंह वीरता पर प्रकाश डालते हुए हवा को संबोधित किया और बाबू वीर कुंवर सिंह के आदर्शों पर नई पीढ़ियों को चलने की अपील की। वही इस कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर अजय सिंह, शारदा प्रसाद सिंह, मृत्युंजय सिंह गंगा, मनोज सिंह, समाज सेवी हुमन सिंह, चंद्रमणि सिंह, राजीव सिंह, मनोज सिंह माइकल, पुरुषोत्तम सिंह, सत्यपाल सिंह, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। अप्रैल के दिन हर वर्ष की तरह हम लोग वीर कुंवर सिंह का भी विजयोत्सव मनाते आ रहे हैं। वीर कुंवर सिंह के बारे में हम लोगों को बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। आप सोच सकते हैं कि इस उम्र में उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी कि उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ऐसा नहीं था कि उस समय लोग नहीं थे, भीड़ नहीं थी, जवान नहीं थे, योद्धा नहीं थे, लेकिन एक नेतृत्व करने वाला और सच्चे दिल से देश के लिए लड़ने वाला शायद उसकी कमी थी। वीर कुंवर सिंह कोई बहुत बड़े महाराजा नहीं थे, बहुत धन दौलत नहीं था, बहुत सैन्य शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी हिम्मत थी और एक जज्बा था देश के लिए, देश प्रेम था, जिस वजह से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। क्योंकि वीर कुंवर सिंह सिर्फ एक क्षत्रिय नहीं थे, वो सिर्फ क्षत्रिय या अपने परिवार के लिए नहीं लड़े थे, वो समाज के लिए और देश के लिए लड़े थे। हम लोगों को आज के दिन बहुत कुछ सीखना है और सोचना है कि इन्होंने क्या कुर्बानी दी होगी उस वक्त, और अगर हम लोग भी समाज के लिए कुछ कर सकें, देश के लिए कुछ कर सकें, तो यही श्रद्धांजलि उनके लिए होगी। कुंवर सिंह का जन्मोत्सव विजयोत्सव है और इस मौके पर हम लोग हर्षित हैं। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि इनके जन्म स्थान आरा पर आज विश्व कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। ये ऐसे पुरोधा हैं, ये ऐसे हमारे पूर्वज हैं जिन पर हमें नाज है, और इनकी कीर्ति मात्र से हमारे शरीर में ऊर्जा दौड़ने लगती है, और इनके सोच और इनके विचार से हम लोग की उम्र जो है वो उम्र नहीं लगती है, लगता है कि हम अभी भी जवान हैं। तो आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत शुभ है और उम्मीद करते हैं कि समाज इनसे सीख लेता रहेगा, यही इस मूर्ति के लगाने का उद्देश्य। समारोह जो आज हम लोग मना रहे हैं, यह भागलपुर शहर की गरिमा का बहुत बड़ा द्योतक है। भागलपुर में ऐसी प्रतिमा को देखने से ही लगता है यह शहर जिंदा है और यहाँ के लोग संगठित हैं। यह बहुत बड़ी बात है, आज के समय में ऐसे सब जुझारू लोग हमारे भागलपुर शहर में थे जिन्होंने अपनी अप्रतिम सफलता से, मेहनत से, संगठित करके लोगों को हमारे पास इस तरह की प्रतिमा जो है स्थापित किया। जिन्होंने यह स्थापित किया, जिन्होंने भागलपुर को एक नया पहचान दिया, वैसे तमाम लोगों को जिनका एक रुपया का भी सहयोग है, मैं उन तमाम लोगों को जो है तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।